बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। चुनावी जमावट जमाने में कांग्रेस जुट गई है। पीसीसी में जन स्वास्थ्य रक्षकों की बैठक होगी। कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य रक्षक शामिल होंगे। आज 11 बजे पीसीसी में बैठक शुरू होगी। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। वहीं चुनावी जमावट जमाने में अब कांग्रेस पूरे तरीके से जुट गई है। पीसीसी में जन स्वास्थ्य रक्षकों की बैठक होगी। इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव जी, कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, इन बैठक किन मायनों में खास मानी जा रही है? ज्योति, चुनावी साल है, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। कांग्रेस का जिस तरीके से संगठन काम कर रहा है, तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ कह चुके हैं कि हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है, इसलिए हमें अपने बूथ मैनेजमेंट पर अपने संगठन को मजबूत करना होगा। लगातार पीसीसी में बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले बैठक हुई थी, जिसमें जिलाध्यक्षों से कमलनाथ ने बातचीत की थी। उनसे कहा था कि किस तरह से काम करना है, संगठन को मजबूत करना, अगर आप नहीं कर सकते मंडल सेक्टर को मजबूत, तो आपको हटा भी दिया जा सकता है। स्पष्ट रूप से चेतावनी कमलनाथ की ओर से दी गई थी। तो आज फिर एक बैठक होने जा रही है, जन स्वास्थ्य रक्षक है, इसको बैठक में कमलनाथ भी शामिल होंगे। और जन स्वास्थ्य रक्षक बड़े समय से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे, चूंकि इनके मांगे नहीं पूरी हुई हैं, तो इस तरह से जो बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि कमलनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल जिस तरीके से हमने सुना कि मजदूर दिवस के अवसर पर कमलनाथ ने एक सभा को संबोधित किया राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में, उन्होंने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद भी कमलनाथ कोई बड़ी बात जन स्वास्थ्य रक्षक की मांग को लेकर कर सकते हैं। जी वैभव जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे की खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ भी आज बैठक में शामिल होंगे। बैठकों का दौर शुरू हो गया है, कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है।